जब मैं उसे पढ़ने दूंगी। ये लो। जी टीवी के सीरियल कुर्बान हुआ में नील चाहत के लिए एक और तोहफा लाता है, जिसे देखकर चाहत बहुत खुश हो जाती है, और वो है किताबें। माय गॉड, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। ओ मेरा, तुम शुक्रिया अदा करना चाहती हो ना? हाँ तो वो अंदर कुछ टाइम पहले तुम कुछ पहन के बाहर आई थी, शॉर्ट्स पहन के बाहर आई थी ना अंदर से। हाँ तो दोबारा पहन सकती हो। मजाक कर रहा हूँ। वैसे काफी हॉट लग रही थी तुम। पर मामी जी भी ठान लेती है कि वो चाहत को पढ़ने नहीं देगी, और वो नील और चाहत की जासूसी करती है उनके कमरे के बाहर रहकर। नील चाहत के साथ हुई गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि किसी घरवाले ने ही उसका तोहफा एक्सचेंज किया है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, वो जो साड़ी मैंने तुम्हारे लिए ली थी वो कहाँ चली गई? I mean, मुझे तो मैसेज भी आया कि वो साड़ी यही डिलीवर हुई है, लेकिन अगर ये पार्सल किसी और के पास पहुंच गया तो वो कौन हो सकता है जो इतने छोटे छोटे कपड़े कौन पहन सकता है? चाहत, जरा तुम भी अपना दिमाग लगाओ, सोचो और मुझे बताओ कि किसके कपड़े हो सकते हैं वो। चार, क्या कर रही हो? क्योंकि मैं अपनी राय नहीं देना चाहती। नील अपनी परेशानी चाहत के साथ बांटता है, पर चाहत उसकी मदद करने से मना कर देती है और अपने मुंह पर पट्टी बांधकर एक अनोखा मौन व्रत धारण करती है। चाहत, ये क्या कर रही हो तुम? नील चाहत के मुंह से वो पट्टी हटाता है, और इसी बहाने मिलता है दोनों को रोमांस का मौका। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर कब नील और चाहत एक दूसरे से अपने दिल की बात कहेंगे। आज तक ब्यूरो।